मनासा नगर में कृषि विभाग अधिकारियों ने सूचना के आधार पर बुधवार को सुबह 10 बजे कार्यवाही करते हुए मंसूर नाके पर खाद से भरे दो ट्रक पकड़े, जिन्हें जब्ती में लेकर मनासा थाने पर खड़ा करवाया गया है। वहीं आगे की कार्यवाही जारी है। मनासा कृषि विभाग अधिकारी राहुल कावरिया उर्वरक निरीक्षक द्वारा यह बताया गया है कि नर्मदा पावर नाम से नकली खाद होने की सूचना हमें मिली थी। करीब 400 कट्टे ट्रकों में भरे हैं, जिनका वजन करीब 20 टन के आसपास है। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी कृषि विभाग जिलाधिकारी को दे दी गई है। उनके आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बिल पर जिस नाम की फर्म का पता दिया गया है, तलाशी के दौरान ऐसी कोई फर्म वहां मौजूद नहीं है। साथ ही उक्त खाद कहां से भरकर लाए थे और कहां पर उतारने जा रहे थे, इस मामले में ट्रक ड्राइवर व स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। खाद असली है या नकली, मामले की जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। भ्रमण के दौरान जो है दो ट्रक, एक ट्रक में से दूसरे लोड में ट्रक में जो है ये नर्मदा पावर करके जो है सोइल कंडीशनर ये सप्लाई किया जा रहा है, एक से दूसरे में शिफ्ट किया जा रहा था, तो उसी के संदर्भ में अभी इनकी जब्ती की गई है। इनके पास सिर्फ बिल पाया गया है और जब ये माल जो है जब्त है और इसकी सूचना हमने वरिष्ठालय को दे दी गई है। आगे से जो भी संबंधित द्वारा दिशा निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सूचना मिली कि ये खाद नकली है, अभी इसमें सोइल कंडीशनर है, ये इसमें जो नर्मदा पावर का सोइल कंडीशनर पाया गया है, तो इसमें आगे कार्रवाई पर पता चलेगा। किसके आप किस व्यापारी के यहाँ पर आ रहे हैं माल? ड्राइवर द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है इसकी, ड्राइवर अभी कुछ कह नहीं पा रहा है। इस नाम की जो है इन्होंने ये जो राठौर बीज भंडार का है, पर इस नाम की कोई फर्म अभी तक उसमें लोडिया का है सुनने में नहीं आ रहा है, तो उसी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट।